आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। तो सवाल कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 16,000 फॉर 9 मंथ्स एट 20% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली इज ए रुपीज 2,520, रुपीज 2,524, रुपीज 2,522, रुपीज 2,518। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, तो मैं इसमें ट्री मेथड को भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि ट्री मेथड को कैसे ऐसे क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं और वेरियस मेथड्स हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं ऐसी बातों करने में, तो सॉल्यूशन की तरफ हम जल्दी चलते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन को पहले समझा देता हूँ मैं। क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 16,000? तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, ठीक है, और 9 मंथ्स का एट 20% पर एनम। इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंडेड क्वार्टरली। हमें यह कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है पर एनम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये हमेशा ध्यान देना, पर एनम दिया है और 9 मंथ्स की बात कर रहा है, ठीक। तो आइए चलते हैं आगे। तो मैं इसमें दो तीन मेथड मैंने आपको बता दिए कि बताऊँगा, दो तीन चार मेथड हैं इसमें, ठीक है। तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 16,000, ठीक है। हालांकि हमें यहाँ 16,000 प्रिंसिपल दिया है, फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है कि प्रिंसिपल हमारा 100 है। मैं नहीं मानते कि 16,000 है, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कि हमारा प्रिंसिपल जो है 100 रुपये है, जिसकी जगह हम 100 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। हालांकि हमें दिया हुआ है, लेकिन हम मान रहे हैं 100 रुपये दिया है, ठीक है। तो ये 9 मंथ्स है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है, मीन्स एक क्वार्टर होता है 3 महीने का, ठीक है। अगर आप साल, एक साल है 12 महीने का, उसको अगर आप 4 से डिवाइड कर लें तो एक क्वार्टर होता है 3 3 महीने का, ठीक है। तो जनवरी से लेकर मार्च आप मान सकते हैं एक क्वार्टर हो गया, ठीक है। अप्रैल मई जून एक हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर हो गया, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर लास्ट क्वार्टर होता है, ठीक है, एक साल का, अगर जनवरी से आप क्वार्टर काउंट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो मैंने 3 एरोज़ बनाए हैं, तो ये 3 एरोज़ आपको रिप्रेजेंट करते हैं 3 साल को, नहीं इसके 3 क्वार्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक एरो है 3 महीने का, ये एक एरो है 3 महीने का, ये एक एरो है 3 महीने का। तो आप यहाँ देखिए 20% दिया हुआ है हमें रेट पर एनम, ठीक है। अगर हमें रेट पर एनम दिया है, मीन्स एक साल का 20% है, तो इसको हमें किससे डिवाइड करना है? 4 से। 4 से हमें क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि कंपाउंडिंग क्वार्टरली बोल रहा है, तो हमें निकालना है कि एक क्वार्टर में कितना इंटरेस्ट ले रहा है, मीन्स 3 महीने में कितना रेट परसेंटेज ये लगा रहा है, ठीक है। तो 3 महीने का रेट परसेंटेज हो गया 5%, फिर अगले 3 महीने का भी 5%, अगले 3 महीने का 5%, और लास्ट का जो रहता है 5%। तो आप देख सकते हैं अगर आप एक साल का 5-5% जोड़ेंगे तो 20% पर एनम होता है, लेकिन हमें यहाँ 9 महीने का टाइम पीरियड दिया है, इसलिए हमने 3 एरो बनाए हैं, ठीक है। क्योंकि 9 मंथ में 3 क्वार्टर होते हैं, 3 3 महीने के, यहाँ कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है इसलिए, ठीक है। तो इतना मैंने बता दी कि 5% कैसे आया, 20 को हमने 4 से डिवाइड कर लिया, क्योंकि हमें निकालना है इंटरेस्ट रेट पर क्वार्टर, एक क्वार्टर में 5% लग रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया प्रिंसिपल, मैं 100 मान रहा हूँ, 16,000 नहीं मान रहा हूँ, 16,000, ठीक है। तो ये मेरा पहला 100 है प्रिंसिपल। अब कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है, मीन्स तो पहले साल तो आप 5% निकालेंगे, तो 100 का 5% 5 होता है, तो 100 + 5 हो गया 105। फिर अगले क्वार्टर का सेकंड क्वार्टर, ठीक है, ये सेकंड क्वार्टर है, सेकंड ईयर नहीं है, ठीक है, ईयर की यहाँ बात ही नहीं हो रही है। तो सेकंड क्वार्टर का है 5%, तो 105 कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है। तो मीन्स एक क्वार्टर में उसको 5 रुपये की बढ़त मिली, तो 105 रुपये हो गया। अब 105 पे फिर 5% लगा, तो 5.25 और बढ़ गया, तो हम इसको ऐड कर देंगे इंटरेस्ट को इसमें, तो 110.25 हो गया। फिर इसमें 5% ऐड करेंगे तो 115.7625, ठीक है, इसका हमने इंटरेस्ट रेट। तो ये 9 महीने का हमें इतना रुपए मिल गए, 100 रुपये मैंने जमा किए थे, अब मेरे को मिल गए हैं 115.7625। आपको ये भी बात मैं बताना चाहूँगा कि 5% 5% 5% अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 100 को आप 3 बार 5% बढ़ाएंगे तो कितना होगा, ठीक है। बहुत कॉमनली यूज होता है 5%, तो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन अगर कभी कभी मैं डायरेक्ट भी लिख देता हूँ कि 115.7625, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 3 बार 5% कंपाउंडिंग हो रही है, या सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है 5%।
तो यहाँ पे देखिए मेरा आ गया है कंपाउंड, सॉरी टोटल अमाउंट आ गया 115.7625। अब मेरे को यहाँ देखना है कि मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। इस केस में जहाँ पे मैं प्रिंसिपल 100 ले रहा हूँ तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, तो 115.7625 फाइनल अमाउंट है। फाइनल अमाउंट से हम इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करते हैं तो हमारा सीआई आता है, तो मेरा सीआई आ गया 15.7625, ठीक है। फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट, मेरा सीआई आ गया, ठीक है, 3 क्वार्टर का, ठीक है। 3 क्वार्टर मैंने इतने रुपये कमा लिए 15.7625 इंटरेस्ट से। लेकिन मैंने एक गलती यहाँ पे क्या की थी, मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल दिया था 16,000 लेकिन लिया है 100, ठीक है। तो अब इस गलती को हमें कैसे सुधारना है, तो मेरे को देखना है कि मेरे 16,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में लेकिन मैं 100 लिया है, तो इसको देखना कितने टाइम्स है मैंने, तो कितने टाइम्स कम लिया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 160 टाइम्स कम प्रिंसिपल लिया है, ठीक है, 160 टाइम्स कम प्रिंसिपल लिया है। तो अब इस गलती को मैं अब सुधार के अपने सीआई को ठीक करूँगा। कैसे ठीक करूँगा, अपने सीआई को भी जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको 160 टाइम्स कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 160 टाइम्स जी सी आई वी गॉट। तो हमें सी आई 15.7625 इंटू 160। तो जब आप ऐसे करेंगे 160 और हमारा जो सी आई आया है हमें 100 मानने पे प्रिंसिपल, उससे हम 160 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2522 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड वहाँ पे आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा जहाँ पे आपको 5% 5% 5% का नेट 3 साल का याद है कि आपको इतना है, और अगर आप जल्दी परसेंटेज वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड अब आपको वहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ और भी एज्यूम कर सकते हैं लेकिन 100 ऐसी वैल्यू है कि जिसका परसेंटेज निकालना ईजी है, और 5% 5% ऐसी कॉमन वैल्यूज़ हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार आती है। तो ये याद होना चाहिए हमें कि 15.7625 सीआई होता है इसमें, और इतना आपको इतना याद कर लीजिए कि 100 से 15.7625 बनता है, ठीक है। बहुत कॉमनली यूज परसेंटेज है तो आप इसको याद रखिए कि 5% 5% 5% कितना होता है लास्ट में, और आप जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको याद भी हो जाता है वैसे भी, ठीक। तो आइए अब दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। तो दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये फ्रैक्शन मेथड से आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन मेथड या रेशियो मेथड भी कहते हैं लोग इसको। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 कॉलम्स बना दिए, हालांकि 3 कॉलम्स है, एक परसेंटेज का है जितना ये पर क्वार्टर बढ़ रहा है, ये प्रिंसिपल अमाउंट का कॉलम और ये फाइनल अमाउंट का। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज इंक्रीज मैंने लिखा है, हालांकि ये रेट परसेंटेज है, तो रेट परसेंटेज हमें दिया गया है 20%, ठीक है, 20% दिया गया है। तो ये 20% दिया गया है, इसको हमें 4 पार्ट में तोड़ लेना है, क्यों, क्योंकि हमें कंपाउंडिंग क्वार्टरली करनी है। जब भी कंपाउंडिंग क्वार्टरली करनी है तो हमें इसको कितने 4 पार्ट में करना है, और यह 9 मंथ्स है, ठीक है। 9 मंथ्स में कितने क्वार्टर्स होते हैं आपको पता है, 9 मंथ्स में 3 क्वार्टर्स होते हैं, क्योंकि हम इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 क्वार्टर्स, 1 साल में 4 क्वार्टर और 9 मंथ्स में 3 क्वार्टर, ठीक। तो हमारे 1 क्वार्टर का परसेंटेज है 5%। अब 5% को हम कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। तो 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट, आपको पता होगा कि फ्रैक्शन इक्विवेलेंट इसका होता है 1/20, कैसे, 5/100, परसेंटेज का साइन 1/100 के बराबर होता है, तो 5/100 उसको आप 1/20 भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो रेशियो मेथड में हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा 20 है जो कि पहले साल में बढ़ के 21 हो गया, ठीक है, पहले साल में बढ़ के 21, 20 था प्रिंसिपल जो कि डिनोमिनेटर को हम लेते हैं, और जो न्यूमरेटर होता है उसको हम डिनोमिनेटर में ऐड करके फाइनल अमाउंट करते हैं, मीन्स 20 रुपये इसने डाले वो 21 हो गए। उसी तरीके से दूसरे क्वार्टर में भी इसके साथ यही हुआ, ठीक है, ये पहला क्वार्टर हो गया, 9 मंथ्स की बात हो रही है, तो ये पहले के 3 महीने में 20 रुपये इसने इन्वेस्ट किया 21 हो गए, दूसरे क्वार्टर में 20 रुपये फिर से इसने डाले 21 हो गए, ठीक है, 20 रुपये इसके 21 हो गए, तीसरे क्वार्टर में भी 20 रुपये इसके 21 हो गए हैं, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिए 3 क्वार्टर की बात हो रही है इसलिए हम 3 बार लिख रहे हैं, ठीक है, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, 3 बार हमने लिख लिया इसको। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, 20 × 20 × 20, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक रो वाले को एक कॉलम में जो है, और इस कॉलम में जो मल्टीप्लाई करेंगे वो एक कॉलम, ठीक है। तो ये 20 × 20 × 20 कितना हो गया, 8000, 20 × 21 441, 441 × 21 9261,
ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमारा फाइनल अमाउंट आ गई, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। ठीक है, ये हमारा हमने 8,000 रुपये लगाए और हमें 5% के इंटरेस्ट रेट पे कितना मिल गया, 9261, 3 क्वार्टर में। तो यहाँ पे हमें सी आई निकालना है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें हमारा यहाँ पे सी आई कैसे निकलेगा, फाइनल अमाउंट जो होता है उससे हम माइनस कर देते हैं प्रिंसिपल अमाउंट को। ठीक है, तो 9261 माइनस 8000 करेंगे, ठीक है, 9261 माइनस 8000, 1261। ठीक है, हमारा सी आई क्या आ गया, 1261, लेकिन प्रिंसिपल हमारा क्या है, 8000। ठीक है, 8000 जो कि ओरिजिनल प्रिंसिपल जो क्वेश्चन में दिया गया है 16000 दिया गया है, लेकिन हमने क्या लिया है, 8000 हमारा प्रिंसिपल आया। तो हम देखेंगे कितने टाइम्स हमने हमारा कम है प्रिंसिपल, अब देखेंगे कि 2 टाइम्स कम है ना, अब देख के ही बता सकते हैं कि 2 टाइम्स कम है। तो हमारे सी आई को हम क्या करेंगे, ठीक करने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो हम अपने कंपाउंड इंटरेस्ट को भी 2 टाइम्स कर लेंगे। तो 1261 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 2522, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये मेथड समझ में आया होगा, प्रिंसिपल फ्रैक्शन और रेशियो मेथड। तो मैंने परसेंटेज के भी जो भी क्वेश्चंस कराए हैं उसमें भी बहुत बार ये मेथड्स यूज़ हुए हैं। मेरे को सारे क्वेश्चन सब सिमिलर ही लगते हैं, फिर भी हालांकि मैं सारे क्वेश्चन में एलोबरेट करता हूँ, क्योंकि कोई बच्चा हो सकता है नया हो इस वीडियो पर आ जाए डायरेक्ट, तो उसको ना समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा सा एलोबरेट करके ही समझाता हूँ कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर को हम 20 लेते हैं और इसको ऐड कर दीजिए 20+1, यहाँ पे लिख दीजिए 21। क्यों, क्योंकि 20 का 5% भी एक तो 1 होता है, तो आप 20+1 ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, या तो इसका जो है ऊपर डिनोमिनेटर वो इसका 5% ही होता है, अगर 5% को आप कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन में तो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये मेथड समझ में आया होगा, आइए अगले मेथड पर चलते हैं। तो फार्मूला अप्रोच पे अभी हम चलेंगे। फार्मूला अप्रोच मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि बहुत सारे स्कूल वाले बच्चे देखते हैं फिर बोलते हैं कि सर स्कूल वाले मेथड को भी बताइए। ठीक है, तो स्कूल वाला मेथड तो आप जानते हैं, फार्मूला अप्रोच आते हैं जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लिखते हैं। तो इसका फार्मूला आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ पर 3 क्वार्टर की बात हो रही है। ठीक है, तो 3 क्वार्टर के लिए हम फार्मूला ये लिख रहे हैं। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1+, आपने देखा होगा कि रेट टू द पावर ऑफ टी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 मैंने क्यों लिखा, 4 क्यों लिखा, तो यहाँ पे 4 देखिए, 4 इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे एक साल का पर क्वार्टर इसका रेट चेंज हो रहा है ना, कंपाउंडिंग हो रही है। तो आर बाय 4 × 4 × टाइम पीरियड, ठीक है, एन इंटू टी होता है फॉर्मूले में। आइए आगे आगे हम समझते जाएंगे कि क्यों ऐसे होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल हमें दिया गया है 16000, तो मैंने वहाँ पे प्रिंसिपल वही ले लिया इस बार जो कि दिया हुआ है। तो 1+20/4, ठीक है, 20 हमारा रेट है, ठीक है, 20 हमारा रेट क्या है, पर ईयर का है, इसको हमें एक क्वार्टर का रेट में करना है क्योंकि हमें कंपाउंडिंग क्वार्टरली करनी है, इसलिए 20/4 होता है। ठीक है, तो 20 रेट है, उसको हमने 4 पार्ट में तोड़ लिया, तो 20/4, 4 × 3/4। अब भैया आप ये सोच रहे होंगे कि टाइम हमारा 9 मंथ्स दिया हुआ है तो ये 3/4 क्यों आया। तो जब भी यहाँ पे टाइम पीरियड आपको लिखना है तो ईयर्स में होता है, तो ये हमारा 9 मंथ्स को आप ईयर्स में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करेंगे, 9/12, 9/12 होके क्या होता है, 3/4 ही होता है अल्टीमेटली, या तो आप डायरेक्ट इसको 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और आपको ये 24 से डिवाइड होकर 5 हो जाएगा। देखिए सिंप्लीफाई होके अगर इसको 4 से 4 कैंसिल कर देंगे और 20 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया 5%। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, हालांकि आप देख सकते हैं कि 5/100 जब भी 5% होता है तो आप इसको डायरेक्ट 21/20 ब्रैकेट को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका इसको आप सॉल्व करेंगे तो 100+5, 105/100, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 21/100 आएगा ये। ठीक है, 21/100 का होल क्यूब, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट आता है 18,522। ठीक है, ये आता है टोटल अमाउंट। ठीक, आपको ध्यान देना है हमेशा, कभी कभी होता है कि क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको 18,522 भी होता है और बच्चे टिक भी कर देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें इसमें से प्रिंसिपल को घटाना पड़ेगा। प्रिंसिपल हमें दिया गया 16,000 जो कि हमने पहले भी लिया है, या तो आप यहाँ पर भी माइनस प्रिंसिपल साथ साथ लेके चल सकते हैं 16,000। ठीक है, इस फॉर्मूले में ही माइनस पी करके आप
शुरू से ही चल सकते हैं। अगर आपको सी आई निकालना है तो आप यहाँ पे सी आई लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही जगह सी आई लिख सकते हैं माइनस पी अगर आप कर रहे हैं पहले से ही। तो आप 18,522 माइनस 16,000 करेंगे तो आपका आता है आंसर 2,522, ऑप्शन सी। तो ये हो गया फार्मूला अप्रोच, ठीक है। फार्मूला अप्रोच मैं इसलिए बताता हूँ कि बहुत से बच्चों के डाउट्स भी होते हैं कि बोलेंगे फार्मूले से कैसे होता है, कि फार्मूला भी सीखना थोड़ा बहुत अनिवार्य हो जाता है अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए भी, कि कैसी चीज़ें चेंज होती हैं। तो आइए अगले मेथड पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं मेथड में बता रहा हूँ ट्री मेथड, ठीक है। ट्री मेथड, तो ट्री मेथड आजकल बहुत ही फेमस मेथड भी है अगर आप कंपोनेंट टेस्ट को जल्दी निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम प्रिंसिपल होता है हमारी जड़, उसकी फिर शाखाएं निकलती हैं ऐसे, शाखाओं के नीचे होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं तीन एरो मैंने बनाए हैं। तीन एरो इसलिए बनाए हैं क्योंकि कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है और 9 मंथ्स के लिए हो रही है, ठीक है। 9 मंथ्स को क्वार्टर में अगर मैं तोड़ूँ तो तीन क्वार्टर्स बनते हैं, पहला एरो, दूसरा एरो, ठीक है। ये तीनों अलग अलग क्वार्टर्स को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। एक एरो पहला क्वार्टर, दूसरा दूसरा क्वार्टर और एक्स तीसरा क्वार्टर। और ये एरो के नीचे एक्स है, ये मैं लिख रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट, पहले क्वार्टर का, दूसरे क्वार्टर का सिंपल इंटरेस्ट एक्स, तीसरे क्वार्टर का सिंपल इंटरेस्ट एक्स, ठीक है। जब भी ब्रांचेज इसकी एक्सटेंड होती हैं सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में होती है एक एरो, और सॉरी सेकेंड क्वार्टर में या सेकेंड साइकिल बोल सकते हैं, सेकेंड टर्म जब कंपाउंडिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे क्वार्टरली बात हो रही है तो यहाँ पे ईयर की बात नहीं हो रही। तो जब कंपाउंडिंग सेकेंड सेकेंड टाइम होती है तो क्या होती है, एक्स की एक ब्रांच होती है, और जब थर्ड टाइम होती है तो उसकी दो ब्रांचेस होती हैं। तो एक्स के नीचे क्या आता है, वाई, फिर वाई के नीचे वाई, ठीक है, और यहाँ पे जेड। तो इस ट्री में आपको यही समझना है, देखिए 3x 3y आते हैं जब थ्री साइकिल्स की बात होती है क्वार्टरिंग, ठीक है, थ्री क्वार्टर्स में साइकिल कंपाउंडिंग हो रही है। तो यहाँ पे वाई पहले ईयर में, तो अगर आपको बोल दे कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आपको क्या ऐड करना है, अगर 2 साल के लिए निकालना है तो, या 2 साइकिल्स के लिए निकालनी है तो क्या, कहाँ तक ऐड करते हैं हम, एक्स एक्स और वाई। और जब 3 साइकिल की बात करता है, मीन्स 3 ईयर्स के लिए भी कह सकते हो, अगर आपको यहाँ पे क्वार्टर नहीं, आप भूल जाइए कि क्वार्टर दिया है, और 3 ईयर्स में कंपाउंडिंग कर रहा है, तो आपको ये टोटल आप ऐड करेंगे तो आपको 3 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ऐसा ही होता है ऊपर की एक्स वैल्यूज़ और जो नीचे, ये सब मिला के टोटल होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो आइए इसको हम सिंप्लीफाई आगे देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी 3 साइकिल्स की बात होती है या उसमें कंपाउंडिंग हो रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम चल रहा है, तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं 331, ठीक है, ट्री मेथड में। तो हम इस कोड को कैसे यूज़ करेंगे, तो पहले आप प्रिंसिपल ऊपर टॉप हैंड साइड में लिख दीजिए 16,000, और हम कोड्स लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे कोड 3 कोड 3 कोड 1, ठीक है। 331 को मैंने एक लाइन में लिख दिया नीचे, ठीक है। अब आपको हमेशा याद रखना है ये वाई क्या होता है, वाई होता है हमेशा जितना रेट परसेंटेज है, ठीक है, तो ये आर परसेंटेज ऑफ एक्स होगा, मीन्स 5% ऑफ वाई, सॉरी 5% ऑफ एक्स। वाई क्या है, 5% ऑफ एक्स। जेड क्या होगा, 5% ऑफ वाई, ठीक है। तो हम हायरार्की में परसेंटेज नीचे डाउन होते जाता है। तो आइए देखते हैं ये 800 कैसे आया। तो कोड 3 में मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले जब 3 होता है और मैंने प्रिंसिपल लिखा है, तो आपको 16,000 का 5% निकालना है, ठीक है। 16,000 का 5% कितना हुआ, 800, ठीक है। 16,000 का 5% 800 हुआ, ठीक है। अब 800 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करके 2400 लिख दिया। अब 800 का 5% हम लिखेंगे 40, ठीक है। 40 को मल्टीप्लाई करके 3 से 120 लिख दिया, ठीक है, और 40 का 5% होता है 2। तो आप देख सकते हैं 5% एक से हम डाउन में निकालते जा रहे हैं, ठीक है। पहले प्रिंसिपल का 5% निकाला, जिसको 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 800 का 5% निकाला, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 40 का 5% निकाला, उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये 1 क्या होता है, ये 1 जेड का इक्विवेलेंट है। ये जो कोड 3 है, ये वाला बीच का जो 40 करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, ये 3y को करस्पॉन्ड कर रहा है, और ये 3 जो है ये हमारा si को करस्पॉन्ड करते हैं, x x x, ठीक है।
तो अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आ रहा, तो इससे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप किसी की बेसिक वीडियोस ज़रूर देखें जिसमें ट्री मेथड की थ्योरी कवर की गई हो, ठीक है, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 800 इंटू 3 2400, 40 इंटू 3 120, 2 इंटू 1 2। अब इन तीनों को आप ऐड कर देंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। देखिए, अगर हमने इसको ऐड कर लिया 25222, तो आपको ये इतना स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए मैंने बनाया। अगर आपको ये कोड याद है 331, और आपको पता है कि प्रिंसिपल का 5% हायरकी में आपको डाउन जाते जाना है और मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। विद इन आप 30 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स, आप बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशन स्पीड आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है ट्री मेथड, कैसे आप इसमें लगाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको जो भी मेथड पसंद आए आपको वो यूज़ कर सकते हैं। तो ट्री मेथड हो सकता है आपको अच्छे से अभी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी बेसिक थ्योरी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि वाई फाई कैसे आता है, या तो आप इस ट्रिक को याद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए, ये पार्ट है, ये एरो, फिर ये एरो, ये आपको थर्ड ईयर का CI देता है, ये सेकेंड ईयर का CI टोटल देगा, ये फर्स्ट ईयर का SI और CI, तो दोनों बराबर ही होते हैं फर्स्ट ईयर का। ठीक है, और ये टोटल मिला के आपको तीनों साल का CI देगा। ठीक है, ये सिर्फ थर्ड ईयर का देगा जो इतना पार्ट है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर रिप्लाई कर सकते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।